हेलो हाय नमस्ते, आई एम प्रसाद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, हमने पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि हम स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम को यूज करके हम सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। तो हमारा जो सी प्रोग्राम का सीरीज चल रहा है उसमें कुछ कॉन्सेप्ट हमारा और भी क्लियर होना चाहिए, तो आज हम उस कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट आज पढ़ेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टेंट क्या है और कॉन्स्टेंट कितने टाइप का हमारा सी में है। ठीक है, तो आज हम कॉन्स्टेंट डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टेंट क्या है। तो हम सी प्रोग्राम को साइड में करते हैं, हम सिर्फ इंग्लिश में लैंग्वेज में हम डिस्कस करते हैं कि कॉन्स्टेंट हमारा क्या है। हम अगर इंग्लिश के लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर लैंग्वेज में देखेंगे कॉन्स्टेंट का मतलब, तो कॉन्स्टेंट मतलब क्या है ना, जिसका पोजिशन फिक्स्ड है, जिसको कोई भी हिला नहीं सकता, जिसका पोजिशन फिक्स्ड है, इट इज कॉल्ड द कॉन्स्टेंट। ओके, सो अब अगर हम सी प्रोग्राम में आएंगे, सी प्रोग्राम के अंदर आएंगे कॉन्स्टेंट के तरफ, तो क्या होगा ना, ये एक डाटा वैल्यू है जिसका वैल्यू पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं हो सकता है। तो अब अगर उसका डेफिनेशन हम देखेंगे, डेफिनेशन क्या है उसका ना, कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट का डेफिनेशन क्या है ना, कॉन्स्टेंट आर डाटा वैल्यूज दैट नेवर चेंज इट्स वैल्यूज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। एक प्रोग्राम का कंप्लीट एग्जीक्यूशन होने के बाद भी डाटा वैल्यू जो है, जो डाटा वैल्यूज है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, इट इज कॉल्ड द कॉन्स्टेंट। ओके, और एक बात, हम अगर कॉन्स्टेंट किसी डाटा वैल्यू को हम कॉन्स्टेंट करना चाहते हैं तो हम सिंपल क्या करेंगे, एक कीवर्ड को यूज करेंगे। तो कीवर्ड क्या है ना, कॉन्स्ट कीवर्ड को हम यूज करके कोई भी वैल्यू को हम कॉन्स्टेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं, कॉन्स्टेंट का एग्जांपल एक देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखो, जैसे कि हमारा पाई वैल्यू है, पाई वैल्यू हम कितना कहते हैं कि 3.141 हम कहते हैं। ठीक है, 3.141 हम कहते हैं। ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू हमारा कॉन्स्टेंट है। क्यों ना, अगर इस वैल्यू को हम प्रोग्राम में, पूरे प्रोग्राम में यूज करेंगे तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। आगे मैं बताऊंगा कि प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, क्या आगे और भी प्रोग्राम हम करेंगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू प्रोग्राम के चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब ये होता है कॉन्स्टेंट। अगर और एक एग्जांपल देता हूं, अगर हम डिक्लेयर करेंगे इंट ए इक्वल टू 10, तो अगर हम यहां पे कॉन्स्ट कीवर्ड यूज कर देंगे तो क्या होगा ना, ये जो ए का जो वैल्यू है वो पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान वही 10 ही रहेगा, वो वैल्यू चेंज नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड यूज नहीं करेंगे तो वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम अगर कॉन्स्ट कीवर्ड यूज कर देंगे तो हमारा जो वैल्यू है उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट चैप्टर वी कम टू इट्स टाइप्स। ओके, सो अब हम आते हैं कॉन्स्टेंट का टाइप्स की तरफ। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट में क्या है ना, 4 टाइप का कॉन्स्टेंट है। पहला है इंटीजर कॉन्स्टेंट, सेकेंड वन इज सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, थर्ड वन इज फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट, फोर्थ वन इज द स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। 4 टाइप का कॉन्स्टेंट है। एक है क्या, इंटीजर कॉन्स्टेंट, सेकेंड है क्या, एक सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, थर्ड वन फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट, फोर्थ वन स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। तो एक एक करके हम हर एक कॉन्स्टेंट का एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है,
तो पहले देखते हैं इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट क्या है ना, इंटीजर क्या है ना, जिसका कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल देख लो, हमारा जो इंटीजर एक है, जैसे कि हम यूज करते हैं 1, 2, 3, 4, ये हमारा क्या है, इंटीजर है। ठीक है, एक एग्जांपल देख लो, हम प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, अगर मैं यूज करूंगा इंट ए इक्वल टू 10, इंट ए इक्वल टू 10, तो ये है 10 क्या है, एक इंटीजर है। तो इंटीजर कांस्टेंट क्या है, मैंने पहले बताया था, हम अगर कोई वैल्यू को कांस्टेंट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे ना, हम एक कीवर्ड यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड द कॉन्स्ट कीवर्ड। ओके, तो यहां पे हम क्या करेंगे ना, हम कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज कर देंगे। अब अगर कॉन्स्ट कीवर्ड को हम यूज कर देंगे तो ए का वैल्यू वहां पे फिक्स्ड हो गया, ए का वैल्यू हमेशा 10 ही रहेगा, पूरे प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा फिर भी ए का वैल्यू 10 ही रहेगा, दैट इज कॉल्ड द इंटीजर कॉन्स्टेंट। ओके, नेक्स्ट वन इज द सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। ओके, तो सिंगल कैरेक्टर क्या है, जैसे कि हमारा अल्फाबेट से, जैसे कि हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये सब सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट है। ठीक है, सिंगल कैरेक्टर है। तो अगर हम यूज करेंगे प्रोग्राम में, मैं यूज करूंगा क्या, ए इक्वल टू सिंगल कोट में लिखूंगा ए वैल्यू। ठीक है, मैं लिखूंगा क्या ए इक्वल टू कैपिटल ए। तो मैं पहले बता रहा था कि अगर कोई वैल्यू को कॉन्स्टेंट करना चाहेंगे तो वहां पे कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज करेंगे। तो यहां पे मैं यूज कर दूंगा कॉन्स्ट, मैं अगर यहां पे कॉन्स्ट कीवर्ड यूज कर दूंगा तो ये वैल्यू पूरा प्रोग्राम में वही ए ही रहेगा, वैल्यू चेंज नहीं हो सकता, दैट इज कॉल्ड द सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। ओके, नेक्स्ट इज कम टू फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट। तो फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या है ना, जिसका कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू होगा, जैसे कि हमारा 1.2 हो गया, 2.3 हो गया, 3.4 हो गया, ये सब हमारा क्या है ना, फ्रैक्शनल, ये जो 0.2 है ये सब फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो अब अगर यहां पे मैं यूज करूंगा तो मैं लिखूंगा फ्लोट ए इक्वल टू 10.4। ओके, सो यहां पे मैं वैसे यूज करूंगा कि कॉन्स्ट कीवर्ड भी यूज कर दूंगा, अगर मैं कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज कर दूंगा तो ए का वैल्यू हमेशा 10.4 ही रहेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट। अब हम आते हैं अपना फोर्थ वन की तरफ, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। तो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट क्या है, स्ट्रिंग क्या है ना, ब्लॉक ऑफ लेटर्स, कुछ लेटर्स को मिलाकर हम एक स्ट्रिंग फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्या ए इक्वल टू डबल कोट के अंदर मैं लिखूंगा, एक नेम लिखूंगा अर्नदा। ठीक है, इट इज ए स्ट्रिंग, यहां पे कुछ सिंगल कैरेक्टर को मिलाकर एक स्ट्रिंग हम फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो अगर मैं यहां पे यूज कर दूंगा कॉन्स्ट कीवर्ड तो क्या होगा ना, इस वैल्यू का जो ए का वैल्यू अर्नदा है, ये पूरे प्रोग्राम में वही अर्नदा ही रहेगा, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। इस क्लियर, तो मैं थोड़ा रिकैप कर देता हूं क्या मैंने आज पढ़ाया। ठीक है, तो मैंने शुरू से बता देता हूं, तो कॉन्स्टेंट पहले क्या है ना, कॉन्स्टेंट एक डाटा वैल्यू है जिसका वैल्यू पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं हो सकता है, दैट इज कॉल्ड द कॉन्स्टेंट। तो जनरली कॉन्स्टेंट हमारा क्या है, चार टाइप का है, एक है इंटीजर कॉन्स्टेंट, एक है हमारा सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, एक है फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट, एक है स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। ओके, सो अब हम चलते हैं हमारा कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और हर एक कॉन्स्टेंट को प्रैक्टिकल करके मैं दिखाता हूं कि हर एक कॉन्स्टेंट कैसे हमारा रन होता है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, तो लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन। तो अब हम कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं, तो ये हमारा टर्बोसी का विंडोज है। जो लोग नहीं देखे हो कि टर्बोसी कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, ऊपर आई बटन में लिंक है, जाओ देखो, और नीचे प्लेलिस्ट भी एक लिंक है, वहां पे जाओ, वहां पे सीरीज है, सी प्रोग्राम्स का सीरीज है, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगा कि कैसे हम टर्बोसी को इंस्टॉल करेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे, सब कुछ वहां पे है।
तो यहाँ पे मैंने बताया था कि टर्पोस को डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद हम क्या करेंगे ना, जब विंडोज ओपन होगा तब हम क्या करेंगे, नया फाइल ओपन करेंगे, फाइल में क्लिक करेंगे, न्यू पेज आएंगे तो हमारा एक नया फाइल ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट काम क्या था हमारा, सेव का। तो हम उसको सेव करते हैं, एक फाइल नाम दे के सेव आ जाएंगे। वहां पे हम टाइप करेंगे कि कोई भी नाम दे दो, मैं यहाँ पे यूज करूंगा नाम कि कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट डॉट सी, मैं कॉन्स्टेंट का यूज करूंगा। ठीक है, कॉन्स्टेंट डॉट सी में यूज करूंगा। ठीक है, तो अब हम चारों कॉन्स्टेंट जो पढ़े थे उसका एक एक एग्जाम्पल देके मैं दिखाता हूं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा प्रोग्राम हास इंक्लूड stdio.h, देन हास इंक्लूड कोनियो डॉट एच, देन हम लिखेंगे बर्डमैन। ये जो हमारा लिंक सेक्शन है और जो हमारा मेन सेक्शन है, ये दोनों कंपलसरी है हर प्रोग्राम में। ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेक्शन यूज नहीं किया हो क्योंकि ये कंपलसरी नहीं होता, तुम चाहोगे तो यूज करोगे, चाहोगे तो यूज नहीं करोगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक कॉन्स्टेंट को एक वैल्यू डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट ए इक्वल टू 10। ओके, तो मैंने ए वैल्यू को 10 डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सी एल आर एस सी आर, तो यहाँ पे लिखूंगा मुझे सिर्फ वैल्यू को प्रिंट करना है, तो लिखूंगा प्रिंट एफ, देन एक परसेंटेज डी, देन लिखूंगा ए। ओके, तो मैं सिर्फ देन गेट सी एच। तो आप लोग यहां पे बोलोगे मैं कॉन्स्टेंट कीवर्ड यूज नहीं किया हूं, तो यहां पे अगर कॉन्स्टेंट में की कॉन्स्ट कीवर्ड यूज नहीं किया हूं तो आप चाहोगे तो ए वैल्यू को चेंज कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे ए वैल्यू प्रिंट किया हूं, देखो मैं अभी इसको रन करता हूं। ठीक है, देखो यहाँ पे वैल्यू 10 आया, ऊपर देखो यहाँ पे वैल्यू 10 आया। तो अगर मैं यहाँ पे और एक वैल्यू को वहां पे डिक्लेयर करूंगा कि यहाँ पे मैं लिखूंगा कि a इक्वल टू 11, ठीक है, यूज करूंगा, तो देखो a का वैल्यू चेंज होके 11 हो जाएगा। देखो देखो यहाँ पे पहले 10 था, अब 11 हो गया, तो a का वैल्यू चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड यूज कर दूंगा, कॉन्स्ट कीवर्ड यूज कर दूंगा, तो देखो ए का वैल्यू वही 10 ही रहेगा। देखो यहाँ पे नीचे 11 है लेकिन ए का वैल्यू 10 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। देखो देखो यहाँ पे एरर दिखा रहा है क्योंकि कैन नॉट मॉडिफाई कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट। हम क्या करेंगे ना, हम जो मॉडिफाई करने के लिए दिए हैं ए इक्वल टू 11, हम वो कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारा ऑलरेडी कॉन्स्ट में हम ए इक्वल टू 10 कर चुके हैं, हमारा ए इक्वल टू 10 वैल्यू कॉन्स्टेंट हो चुका है, हम वहां पे 11 नहीं कर सकते हैं, यही एरर दिखाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम रिमूव कर देते हैं। देखो अब वैल्यू दिखाएगा कि अपना वैल्यू 10 दिखाएगा। देखा, तो ये होता है इंटीजर कॉन्स्टेंट। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं हमारा कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। ओके, तो मैं यहां पे डिक्लेयर करूंगा कैर, ए वैल्यू में डिक्लेयर करूंगा, सिंगल कोट में लिखूंगा कि ए। ओके, तो देखो यहां पे अगर मैं इसको रन पे करूं, मैं उसको सी कर दूंगा, तो हमारा आउटपुट तो क्या आता है, देखो वैल्यू ए आया। तो अगर मैं यहाँ पे उसको वैल्यू को चेंज करना चाहूंगा तो मैं यहाँ पे और एक वैल्यू लूंगा ए इक्वल टू, मैं दूंगा बी। ठीक है, तो देखो वैल्यू एरर दिखा रहा क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं हुआ। देखो यहाँ पे एरर दिखा रहा है, क्या लिखा है, कैन नॉट मॉडिफाई कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट, हम एक कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी कैरेक्टर कॉन्स्टेंट में हम डिक्लेयर कर चुके हैं ए वैल्यू, दैट इज कॉल्ड द सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। ओके, सो हम नेक्स्ट आते हैं हमारा
फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट की तरफ आते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे डिक्लेयर करूंगा कॉन्स्ट फ्लोट ए इक्वल टू 10.24, ओके मैं डिक्लेयर करूंगा। तो यहां पे मैं यूज करूंगा एक्सेस यूज करूंगा एफ, ओके। तो मैं यहां पे इसको रन करूंगा, देखो आ गया 10.24 इसका वैल्यू आ गया, ठीक है। अगर मैं यहां पे एक ट्राई मार लूं कि इसका वैल्यू मैं चेंज कर दूं, अगर मैं यहां पे कॉन्स्ट कीवर्ड इसको यूज नहीं करूंगा, देखो मैं कॉन्स्ट कीवर्ड को हटा दिया, ठीक है। मैं यहां पे यूज करूंगा कि a इक्वल टू 1.2, ओके यूज करूंगा a इक्वल टू 1.2। तो देखो इसका आउटपुट 1.2 ही आएगा, देखो आ गया 1.2, क्योंकि वहां पे मैं कॉन्स्ट कीवर्ड यूज नहीं किया था तो वो कॉन्स्टेंट नहीं था, तो इसके लिए उसका वैल्यू मैंने चेंज कर दिया। अगर मैं वहां पे कॉन्स्ट कीवर्ड यूज कर दूंगा तो देखो एरर ही दिखाया, क्योंकि हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे रन करूंगा तो देखो यहाँ पे एरर दिखाया कि कैन नॉट मॉडिफाई कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट, दैट इज द फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट, ओके। देन लास्ट वन इज द आवर स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट, ओके। आते हैं अपने स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट की तरफ। अगर हम स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट में हम डिक्लेयर करेंगे कॉन्स्ट कैरेक्टर, एक आर डिक्लेयर करेंगे उसमें एक नेम लिखेंगे अनदर, हम चाहेंगे उस नाम को मॉडिफिकेशन करने के लिए हम और एक डिक्लेयर करेंगे कि ए टेन इक्वल टू प्रसाद, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वो मॉडिफिकेशन होता है नहीं होता, देखो यहाँ पे एरर दिखा रहा है कि कैन नॉट मॉडिफाई कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे जो ए इक्वल टू 10 हमारा अनदर है तो ये मॉडिफाई नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट, ओके। सो ये तो था हमारा एग्जाम्पल था हमारा चारों कॉन्स्टेंट का। एक ही हमारा पहला था हमारा इंटीजर कॉन्स्टेंट, दूसरा था सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, थर्ड था फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट, फोर्थ वन इज द स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। तो आई होप आपको कॉन्स्टेंट पूरा क्लियर हो गया होगा, कॉन्स्टेंट क्या है, कैसे कॉन्स्टेंट कौन सा टाइप है। अब आपको कॉन्स्टेंट के जानने में यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ और एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बार, जो लोग पहली बार मेरे चैनल में आए हो, जो लोग पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, मेरे वीडियो को लाइक कर दो एंड थोड़ा कमेंट कर लो भाई। कमेंट करोगे तो मुझे मोटिवेट मिलेगा, मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक पे ऊपर वीडियो लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्ते।